नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं और ये पूरा का पूरा शो राजनीति को ही डेडिकेटेड है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में चाणक्य की उपाधि से विभूषित चंद्रराजी सिंह जी। चंद्रराजी सिंह जी का राजनीति में बहुत अनुभव है, बहुत जबरदस्त रणनीतिक जानकार हैं और कई दफा चुनावी नतीजों को लेकर उनकी जो भविष्यवाणियां रही हैं वो भी, और चुनाव में जिस तरह की रणनीति उन्होंने और रणनीतिक कौशल दिखाया है वो भी चौंका देने वाला रहा है। ऐसे चंद्रराजी सिंह भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सूत्रधार होते हैं। साथ ही हम हमारे दर्शकों से एक बात का आग्रह जरूर करेंगे कि आप राजनीति में दिलचस्पी जरूर लें। आपके इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की बयानबाजी चल रही है, किस तरह के वादे चल रहे हैं, और साथ ही हमारे देश की ही नहीं पूरे हमारे रीजन की भी जियोपॉलिटिक्स को लेकर आप जागरूक रहा करें, क्योंकि जिनसे आपका मुकाबला है वो आपसे कहीं आगे बढ़कर जियोपॉलिटिक्स के मामलों में जानकारी रखते हैं और समय आने पर उसका लाभ भी लेते हैं। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि इस तरफ बहुत जबरदस्त जागरूकता रखें। और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि सरकारी योजनाओं के लिए भी, सरकारी वादों के लिए भी आप जागरूकता रखें, जिससे कि आपका ये जो सरकारों का जनकल्याणकारी जो मुखौटा है वो भी आपके सामने खुलकर सामने आ सके। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स को आप जरूर देखा कीजिए। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्रराजी सिंह जी का स्वागत करते हैं। चंद्रराजी, स्वागत है, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को और आपको होली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और साथ ही मैं भी अपनी ओर से आपको सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं कहते हुए मैं चाहता हूं कि होली के रंग बिरंगे रंगों की तरह आपकी सबके जीवन में खुशियां कई रंगों में रंग कर आए। धन्यवाद आपका। तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हम सिंघवी साहब से जानना चाहते हैं वो बात यह है कि पांच राज्यों में जिस तरह से करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली है और उसके बाद कांग्रेस के अंदर खाने जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है उसके ऊपर आप क्या मनन करते हैं, क्योंकि आपका कांग्रेस में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, आप कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहे हैं, आज जो कुछ हालात आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? अभी तो कांग्रेस की पांच राज्यों में शर्मनाक हार हुई, तो ये ऐसी हार हुई कि दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, एक पहलवान चारों खाने चित्त आ गया, बड़े बड़े बोलने लगा कि मैं जीत गया। बोले तो कैसे जीत गया? तो तब एक टांग ऊंची कर दी, बोला टांग तो मेरी ऊंची, हार गया तो क्या हुआ? कांग्रेस की ऐसी दुर्गति है, सोचा नहीं था कि कांग्रेस का यह हाल होगा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की कांग्रेस धरातल पर इस तरह धूल चाटेगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये दयावह स्थिति है और भयावह स्थिति भी है। आपने पूछा कि कांग्रेस का इस पर क्या असर पड़ेगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक सिद्धांत को भूल गई कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहाने फिर भी आती है, बहाने फिर भी आएगी। इन्हें तो रह दिया करके 10 नंबर जनपद, सोनिया जी मम्मी और राहुल भैया, प्रियंका बहन, इसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। ये चौंधिया गई है कांग्रेस, चकाचौंध में खो गई है कांग्रेस। कांग्रेस भूल गई कि देश की जनता है, जब किसी को उखाड़ कर फेंकती है तो जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। ये वही कांग्रेस है जो राजीव गांधी 400 सीट लेकर के आया था, आज यूपी के अंदर 4 सीट के भी लाले पड़ रहे हैं, इसके बावजूद लड़ रहे हैं, मानने को तैयार ही नहीं। अभी अभी 32 जनों ने, कांग्रेस के नेताओं ने जब कहा कि हम राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ही बनेगा, फिर कह दिया कपिल सिब्बल आपको राजनीति का नॉलेज नहीं है, आप कांग्रेस की एबीसीडी नहीं जानते। ये तो मैं जानता नहीं, पर अशोक गहलोत साहब आपको ये कहने के पहले सोचना चाहिए था। जब जब कांग्रेस पर संकट आया, जब जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई, जब जब कांग्रेस लड़ी हाई कोर्ट में गई, वकीलों की राय की जरूरत पड़ी, कांग्रेस को आवश्यकता पड़ी, तो सारी कांग्रेस कार्यकारिणी आपके लीडर सहित
इसी कपिल सिब्बल के दरवाजे पर गई। इस प्रकार कपिल सिब्बल का अपमान करने का किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया है। कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, हर आदमी तो कोई फील्ड का आदमी होता नहीं है। कुछ लोग फील्ड की राजनीति कर ले, कुछ लोग दिमाग की राजनीति करते हैं, कुछ लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, कुछ लोग विचारों की राजनीति करते हैं। अलग अलग फील्ड, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विचार किए जाते हैं। इसलिए मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं करता। अब रहा सवाल G30 के लोगों की बात, क्या बुराई अगर बदल दिया जाए? मगर नहीं, अशोक जी को सूट नहीं करेगा, क्योंकि अशोक गहलोत केवल और केवल 10 नंबर की मेहरबानी से सदा राज में रहे हैं। वो उनकी स्वामी भक्ति है, मैं इसका बुरा नहीं मानता हूं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अगर आप मेरे लिए 4 कदम चलोगे तो मैं भी आपके लिए 8 कदम चलूंगा। पर इससे फायदा नहीं है। अब कांग्रेस को नया नेतृत्व लाइए नहीं चाहिए, इसका फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कांग्रेस AICC की मीटिंग में बिना दबाव और प्रस्ताव के करना चाहिए। अगर कांग्रेस का परिवर्तन नहीं आया तो जैसा मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपसे कहा था सुभाष जी कि मुझे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी यूपी चुनाव के बाद। मुझे ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस कितनी दूर है और कांग्रेस की साइज क्या है, क्योंकि उनको ढूंढने के लिए तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात सही निकली? मैंने कहा था 4 सीट नहीं लाएगी कांग्रेस, क्या मैं गलत था? मैंने कहा था 250 से ऊपर आएगी बीजेपी, क्या मैं गलत था? मैंने कहा था उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी जीतेगी, वाज आई रॉन्ग? मैंने कहा था पंजाब में केवल और केवल आप आएगी, वाज आई रॉन्ग? मगर अभी यह बात अगर कांग्रेस के किसी नेताओं को कहो तो समझ में नहीं आएगी। कांग्रेस के नेता अब अपने मैदानी जंग में उतारना चाहते हैं उन लड़कों को जो मेहरबानियों के कारण सत्ता में रहे हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। चलो इनकी मर्जी है, आप जो पूछना चाहते थे मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर कांग्रेस सत्ता परिवर्तन नहीं करेगी तो जनता कांग्रेस का परिवर्तन कर देगी। वो दिन बड़ा दुखदायी होगा जब पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, मोदी की भविष्यवाणी सही हो जाएगी। कांग्रेस का बसना भी देश की जरूरत है, ये राष्ट्र की लोकतंत्रीय पार्टी है, करोड़ों मतदाता है इसके, हजारों लाखों कार्यकर्ता है इसके। इसलिए कांग्रेस को विमुख मत मारो। अरे कांग्रेस जनो, हमें तुम बैठ के विचार करो, झगड़े को मिटाओ। वहां जाओ तो सचिन पायलट अशोक गहलोत का झगड़ा, पंजाब में जाओ तो सिद्धू और चन्नी का झगड़ा, हर जगह झगड़ा ही झगड़ा। मध्य प्रदेश में जाओ तो कमलनाथ और दिग्विजय का झगड़ा हुआ। इन झगड़ों के रगड़ों में कांग्रेस बर्बाद होती जा रही। मैं इतना ही चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की कितनी भी दुर्गति हो, कांग्रेस का मतदाता और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी मरा नहीं है। मैं तो चाहता हूं मोदी जी आप भी कांग्रेस को इस तरह मत मारो कि विपक्ष नाम की चीज न रहे। ठीक है केजरीवाल ने बहुत बड़ा काम किया, आप उदित होकर के आ गई है, पर आपको उदित होकर के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संभालने में कुछ समय लगेगा। और ममता जी तो खुद ही समाप्त हो गई, बोल बोल कर समाप्त हो गई। ममता जी की बात करते, ममता जी तो केवल बंगाल के अंदर मछली बाजार तक ही सीमित रह गई। इसलिए इन सारे चुनावों के बाद स्पष्ट है कि कांग्रेस का बचना भी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को सबक लेना पड़ेगा, कांग्रेस को सबक सीखना पड़ेगा। ये वन मैन पॉलिसी, वन फैमिली पॉलिसी, आपको एक मजेदार बात बता रहा हूं। कल मैं मुख्य अतिथि था हसन खान मेवाती के 495वें जन्मदिन पर। हसन मां मेवाती अलवर के महाराजा थे, उन्होंने उनके बाद 12,000 घुसपा की फौज थी। जब बाबर ने राणा सांगा पर हमला किया तो उसके सामने ऑप्शन था कि वो बाबर की दोस्ती निभाता। हसन का मेवाती देशभक्त था, इतना बड़ा देशभक्त की मौत भागवत को भी कहना पड़ा, महान देशभक्त था। उसने अपनी 12,000 की फौज बाबर के खिलाफ राणा सांगा के सामने लगा। ये होती है देशभक्ति, ये होती है राष्ट्रभक्ति, ये होती है महानता, इसे सबक लेना चाहिए। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि कांग्रेस को अब आपसी फूट मिटाकर एक निर्णय लेना चाहिए। इन 30 लोगों को आप निकाल भी दोगे तो कांग्रेस क्या बच जाएगी? अब 2 चुनाव और होने, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, कांग्रेस का नाम वो निशान नहीं रहेगा। उसके बाद में राजस्थान में तो आपका नाम ही नहीं रहेगा। कांग्रेस की चिड़िया उड़ चुकी, कांग्रेस के पंख कट चुके, कांग्रेस धराशाई, कांग्रेस बेहोश, कांग्रेस मदहोश। आपको सुनकर आश्चर्य होगा जब हसन मेवाती के प्रोग्राम में मुसलमान ने कहा कि हिंदुओं को प्यार नहीं करते, तब मैंने कहा हिंदुस्तान में 2 परिवारों की 5 पीढ़ियों के नाम है, बाबर रोड भी है, हुमायूं रोड भी है, अकबर रोड भी है, जहांगीर रोड भी है, शाहजहां रोड भी है, औरंगजेब रोड भी है, और या फिर
मोतीलाल नेहरू मार गया, इंदिरा गांधी मार गया, संजय गांधी मार गया, राजीव गांधी मार गया, गोरी परिवार है जिनकी पांच पांच पीढ़ियां दिल्ली की छाती पर नामो निशान से अंकित है, इसलिए ऐसा मत कहिए। मैं खुद कहता हूं अच्छा हुआ है, मगर मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि कांग्रेस का सर्वनाश हो जाए। प्रदीप प्रकाश, अशोक गहलोत जैसे लोग कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस का तो बचा। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो आपने सब तरफ इशारा करते हुए बातें कही हैं, इसमें एक बात निचोड़ के तौर पर सामने आ रही है, और वो आ रही है कि ये जो गांधी परिवार है इसके बरक्स अब कांग्रेस खड़ी हो गई एक तरह से, आइदर गांधी फैमिली और कांग्रेस पार्टी। ये स्थिति CWC की बैठक में भी देखने को मिली, और G23 के नेताओं खासतौर पर कपिल सिब्बल जिन्होंने ये कहा कि अपनी कांग्रेस या सबकी कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है कि ये गांधी परिवार के बरक्स जो खड़ी हो गई है कांग्रेस, इसमें किसको चुनेगी, कार्यकर्ताओं की फौज और कांग्रेस का जो काडर है वो? कांग्रेस न किसी कांग्रेस की कांग्रेस, न नेहरू परिवार गांधी परिवार की कांग्रेस, न अशोक गहलोत तो सिंबल की कांग्रेस, कांग्रेस तो जनता की होनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस जनता की कांग्रेस, मैं कहता हूं कांग्रेस जनता की कांग्रेस होनी चाहिए, जनता कांग्रेस होनी चाहिए, जनता के दिल में कांग्रेस होनी चाहिए, जनता के साथ कांग्रेस होनी चाहिए। अगर जनता के दिलों से कांग्रेस निकल गई तो चंद मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे कांग्रेस का। ये दुखद स्थिति है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप देखना, चाहे G20, G30, G60 हो जाए, G80 हो जाए, मगर एक बात तय है कि कांग्रेस नेहरू परिवार के पंजे से कभी मुक्त नहीं होगी। कांग्रेस नेहरू परिवार के हाथ में ही रहेगी, चाहे गुलाम नबी हो, चाहे 10 गुलाम नबी ले आओ, चाहे अशोक गहलोत बोले या न बोले, कांग्रेस की मानसिकता के अंदर नेहरू परिवार गांधी परिवार है, इससे कांग्रेस मुक्त होगी नहीं। और जब तक इस कांग्रेस इससे मुक्त नहीं होगी तो जनता की कांग्रेस बनेगी नहीं, और जनता की कांग्रेस बनेगी नहीं तो कांग्रेस का विकास होगा नहीं, कांग्रेस का उद्भव होगा नहीं, कांग्रेस का उत्थान होगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले कांग्रेस किसी व्यक्ति या गुट विशेष की न रह करके आम जनता की कांग्रेस बन जाए, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। एक बात आपने अभी अशोक गहलोत जी को लेकर कही, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिन्होंने कपिल सिब्बल, जैसा आपने भी बताया कि कपिल सिब्बल के बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया, लेकिन ऐसे हालात में जबकि अब कांग्रेस में बहुत जबरदस्त मंथन चल रहा है और पार्टी की सीनियर लीडरशिप एकदम से अलूफ होते हुए, एकदम अलग होते हुए और एक नई विचार परंपरा की शुरुआत कर रही है, और यदि ऐसे में गांधी नेहरू परिवार को अलग थलग कर दिया जाता है और सीताराम केसरी वाला वो दौर और नरसिम्हा राव वाला दौर एक बार वापस आ जाता है, तो क्या राजस्थान की राजनीति में खासतौर पर अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की राजनीति के ऊपर कोई असर पड़ सकता है आपकी नजर में? अशोक गहलोत जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो मैं हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। मैं अशोक गहलोत के बारे में कमेंट नहीं करता, ही टू जूनियर फॉर मी टू कमेंट, ही मे बी अ सीनियर मैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी बट इन पॉलिटिक्स इज टू जूनियर। आई हैव नेवर सपोर्टेड हिम बट आई हैव नेवर अपोज्ड हिम, आई हैव नेवर लाइक्ड हिम बट आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम। ये मैं अशोक के बारे में आपको मुझसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। दुनिया जानती है कि 40 साल से मैं उनका विरोधी हूं, लेकिन विरोध भी एक सीमा होती है। अगर वो जीतता है तो मुझे बधाई देनी पड़ती है, अगर वो अच्छा काम करता है तो मुझे कहना पड़ता है, मगर उसकी आलोचना करने का कोई अवसर मैं चूकता नहीं हूं। आपने कहा कि अशोक, अरे अशोक गहलोत क्या आपने कांग्रेस पूरी दे दू, कांग्रेस की यूपी में जितनी सीट आई उतनी राजस्थान में आएगी, राजस्थान में पिछली सरकार बनी वो अशोक गहलोत के कारण नहीं बनी थी, इसके कई कारण थे, उनमें एक कारण मैं भी था। अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला मेरे ही घर आए थे और मुझसे 10 विधायक मांग के गए थे, क्योंकि मेरा बीजेपी से डिफरेंस था, मैंने उन्हें अनुग्रहित किया, सरकार बन गई। मगर मैं ये इसमें अशोक गहलोत का हमारा कोई लेनदेन नहीं था, वो मेरा और अहमद पटेल का व्यक्तिगत समझौता था। अब आपने पूछ लिया बार बार अशोक गहलोत का नाम लेते हो, अरे भाई आप अशोक गहलोत का नाम लो, मैं तो सम्राट अशोक के अलावा किसी अशोक को जानता नहीं हूं और उसका नाम लेता नहीं हूं। अब अशोक गहलोत बोलते हो तो बोलो, या अशोक गहलोत को या तो सोनिया परिवार अशोक गहलोत को अभिमन्यु बना देगी या शिशुपाल बना देगी, क्या होगा ये वक्त बताएगा। इसलिए अशोक गहलोत के बारे में कमेंट और प्रश्न मैं नहीं चाहता मुझसे कभी भी पूछा जाए। आप अशोक गहलोत जी के बारे में नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन सचिन पायलट के बारे में एक चीज हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि पार्टी के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चेहरे के तौर पर उनको लीडरशिप सौंपी गई थी, क्या आपको लगता है कि ये यदि सेंटर में चेंजेज होते हैं पार्टी की लीडरशिप को लेकर, तो क्या सचिन पायलट को लेकर भी कोई आप भविष्य देखते हैं, या कि नाउ ही इज फ्रेश इन हिज पॉलिटिकल करियर?
No. I am perfectly convinced that Sachin Pilot is a great leader for the young generation of Rajasthan. Sachin Pilot जहाँ जाएगा वहाँ युवा पीढ़ी को अपने पीछे जाएगा। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का मुख्य कारण तब था जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मुख्यमंत्री बाद में बने, फिर बड़े षड्यंत्र तरीके से उनको हटा दिया गया। मैं सचिन पायलट का फैन हूँ, हालांकि मैं उसके पिता का दोस्त के नाते बोल नहीं सकता, मैं उसे समर्थन नहीं दे सकता हूँ, आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, तो राजेश मेरे निजी मित्र थे। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर युवा पीढ़ी को अपनी ओर खींचना है तो कांग्रेस सचिन पायलट को इग्नोर नहीं कर सकती। अरे आगे बार चुनाव आ रहे हैं, नई नई केस कितने के सामने आ रहे हैं, देख लेना जजमान आपके सामने आ जाएगा। अगर सचिन पायलट को इग्नोर करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को 20 सीट भी नहीं मिली, वही तो 21 सीट वाला जो आंकड़ा पहले था वो रह जाएगा। और सचिन पायलट को आगे रखकर सुख के साथ सहयोग के साथ दोनों ने मिलजुल कर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस 50-60 सीट लाएगी, और कांग्रेस के सत्ता में आने का 2029 तक कोई अवसर नहीं है। अब 2034 में कौन आएगा, तब तक न हम रहेंगे न ये हमारी उम्र रहेगी, न हम देख पाएंगे न हम सोच पाएंगे न हम कुछ कह पाएंगे। आप ईश्वर करें कि आप शतायु हो और इसी तरह से राजनीतिक अनुभव बांटते रहे जनता के साथ में। लेकिन अब हम चूंकि कांग्रेस के ऊपर हमने काफी डिटेल से बातचीत कर ली है, अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चार राज्यों में एक तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, उससे खासतौर पर राजस्थान की राजनीति में आप क्या असर देखते हैं, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, उनके राजनीतिक करियर के ऊपर आपको क्या असर दिखाई देता है? वसुंधरा राजे का करियर तुलना करना चाहता हूं लोक नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती के विद्रोह से। वसुंधरा बुद्धिमान है, विद्रोह नहीं करेगी, भाजपा का दामन पकड़ के रहेगी। लेकिन अच्छा यह होगा कि वसुंधरा जी जनता की भीड़ दिखाने के बनिस्पत दिल्ली जाओ, अमित शाह नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि भाजपा में अमित शाह नरेंद्र मोदी के सामने आंख उठाने वाला कोई नहीं। आप ऐसी गलती क्यों कर रही, क्या जरूरत है भीड़ दिखाने, दुनिया जानती है पॉपुलर हो, यू हैव बीन चीफ मिनिस्टर ट्वाइस, मैं भी आपका सलाहकार रहा हूं, आपकी कैबिनेट का मैं भी मंत्री रहा हूं आपके साथ, हम भी कहते हैं, इससे होता क्या है? अगर आपको संघ नहीं चाहता, अगर आपको भाजपा नहीं चाहती, अगर आपको नरेंद्र मोदी नहीं चाहता, अगर आपको अमित शाह नहीं चाहता, तो आपके भीड़ के दिखावे से आप समझो ध्वस पट्टी से और डरा करके मैं भाजपा को चुका दू, इट इज नॉट पॉसिबल। भाजपा में आप रहो या न रहो, रिजल्ट वही आना है, वही 150-160 सीट आनी है। आप रहोगे तो 62 हो जाएगी, जाओगी तो 58 हो जाएगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात आपने अभी बातचीत के दरमियान ही उठी बातचीत, आपने कहा मोदी जी को कि मोदी जी कांग्रेस को खत्म ना करें, तो क्या आपको लगता है मोदी जी खत्म कर रहे हैं कि कांग्रेस ही अपने आप को खत्म कर रही है? ऐसा है मैदान है, एक मिनट आप मुझे एक बात, जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला किया था तो कलिंग की फौज का सर्वनाश हो गया, सम्राट अशोक जीता था, तो यही स्थिति यहां है। मोदी जी अगर टारगेट बना के कांग्रेस को हराते हैं तो गलत, साधारण राजनीति में हराते हैं तो उचित। मैंने ये नहीं कहा खाली मोदी जी को, पूरे देश को कह रहा हूं, देश की जनता को कह रहा हूं, मर रही है मरने मत दो कांग्रेस को, भाग रही है भागने मत दो कांग्रेस को, सो रही है सोने मत दो कांग्रेस को, इसे जगाकर जिंदा रखो, हराओ ताकि इसको अपनी हैसियत का अंदाज हो जाए। कांग्रेस के जो नेता एक परिवार के पीछे घूम रहे हैं उन्हें मालूम पड़ जाए कि कोई भी एक परिवार देश पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, और एक परिवार प्राप्त करता तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के बाद बहादुर शाह जफर भी प्राप्त कर लेता, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं तो केवल आम जनता के हित की बात कह रहा हूं, मुझे मालूम मेरे कहने से कुछ असर नहीं हुआ। कांग्रेस तो जानी है, खाली राजस्थान में बची वो चली जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ रह जाएगी, वहां से भी चली जाएगी, तो आपको आपने मुझे वादा किया था एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप देने का, आपको देना पड़ेगा, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कांग्रेस कितनी दूर है, इसके लिए टेलीस्कोप का यूज करूंगा, और छोटी कितनी साइज है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करूंगा। वेरी गुड, तो चलिए ऐसी कोई बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो प्रोग्राम क्लास में आप और कह लीजिए।
फिर हम कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं। एक बात है कि ये इन दोनों की लड़ाई में क्या होगा ये नहीं पूछा आपने जी। जब दोनों पार्टियां विखंडित हो जाएगी तो हो जाएगी, मगर मैंने कहा एक कारण पहले भी कही थी, बाहरों फूल बरसा हो चमन होता नहीं वाली, बाहरें फिर भी आती है, बाहरें फिर भी आएगी। अरे तुम दोनों पार्टियां नहीं आओगी तो केजरीवाल मौका ढूंढेगा, आप पार्टी का प्रवेश हो जाएगा, हिमाचल में भी होगा, गुजरात में भी होगा, हरियाणा में भी होगा, राजस्थान में होगा। आप चिंता मत करो, इस देश का मुकुट किसी न किसी सर पर बंधा है, बनता रहेगा। मैं नहीं कहता कि केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बन जाएंगे, पर लोकतंत्र को जिंदा रखने में आप पार्टी मत ही नहीं रहेगी। पंजाब और दिल्ली के उदाहरणों से दोनों पार्टियों को सबक लेना चाहिए। आप दोनों मिलकर चाहे लड़ लो या कुछ भी कर लो, कोई कोई तो आता है, समझे? मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर अंत में कह रहा हूं आपसे, बारों फूल बरसाओ चमन होता नहीं खाली, बदल जाए अगर माली, बारों बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। गुड, ये तो चमन खाली हो गई, देश का नेतृत्व तो मरेगा ही नहीं, देश का नेतृत्व तो नहीं मरेगा, देश का लोकतंत्र तो नहीं मरेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, भारत देश जिंदाबाद रहेगा। धन्यवाद। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से कहा, और ये बात भी आपने अच्छे से कही कि आम आदमी पार्टी की जगह बनती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो धीरे धीरे खिसकती जा रही है, और इसका फायदा किसी न किसी को मिलेगा। तो ये था हमारा कार्यक्रम, आपने सुना चंद्राजी सिंह भी को, चंद्राजी सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल बूचाल, जिसे हम हर सप्ताह आपके समक्ष लेकर आते हैं, और इस कार्यक्रम में हम केवल और केवल देश में चल रही राजनीतिक उठापटक को, राजनीतिक जो चाल भूचाल है उसको आपके समक्ष रखते हैं। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।